स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई सी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं या फिर कोई नेमिंग रिएक्शन को देखते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जो हमें नेमिंग रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन किस लिए दी गई है, यानी किस चीज़ की दी गई है। ये प्रिपरेशन की रिएक्शन है या फिर केमिकल रिएक्शन है। अगर आपको ये पता होगा तो आप इससे थोड़ा ईजी कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो आपको रोजनमुंड जब भी आप नाम सुने तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारे एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की है, यानी हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। अगर कोई सी भी रिएक्शन दी हुई है वहाँ पर हमें ये पता है कि वो केमिकल रिएक्शन है, यानी कि हमें उस चीज़ से रिएक्शन करवानी, यानी कि हमारा वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं, हमें यहाँ पे पता है कि हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले देखिए, यहाँ पर रोजनमुंड रिएक्शन में प्रोडक्ट यानी कि रिएक्टेंट क्या होता है। तो रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होता है, एसिड क्लोराइड या फिर एसआई क्लोराइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम एक नाम से और कहते हैं, आपको पता है कि बुक में क्या दी हुई है, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। आप इस चीज से भी ध्यान रख सकते हैं, एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन है, यानी कि एसाइल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, यहाँ पर एल्डिहाइड बनाना है। यानी कि रोजनमुंड रिएक्शन में आपको पता है कि हमें प्रोडक्ट जो है एल्डिहाइड बनाना है, और ऊपर नाम भी दिया कि फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, यानी कि हमें एसाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, यहाँ पर एल्डिहाइड बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा एसाइल क्लोराइड रहता है, ठीक है, एसाइल क्लोराइड को पीडी और BaSO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेटेड करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या बनता है प्रोडक्ट में, बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन में कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है, इस तरीके से, है ना। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, रोजनमुंड रिएक्शन हो गई। इसको क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर क्या होगा, एसिड क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर मैं इसकी थ्योरी लिखता हूँ। थ्योरी लिखना एग्जाम में ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कितने, अगर 2 मार्क्स की यहाँ पर रिएक्शन दी हुई तो 1 मार्क्स की थ्योरी हो जाती है, 1 मार्क्स की आपकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मार्क्स की होती है, 1 मार्क्स की नहीं तो 0.5 मार्क्स की तो थ्योरी होती ही होती है। तो लिख देते हैं, व्हेन एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड इन द presence of palladium and barium sulfate, then it gives benzaldehyde। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं, आपको मैंने रिएक्शन और थ्योरी दोनों बता दी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर इससे मतलब कि एल्डिहाइड चैप्टर की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, पूरा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे चैप्टर की। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते रहो किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।